तो गाइस कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की रैंक पुशिंग, कमेंट करके ज़रूर बता देना। फिलहाल देखो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि अभी के टाइम पे प्लस काफ़ी ज़्यादा कम मिल रहा है, तो कितना डेली का पॉइंट आपको निकालना है। आप एस पे हो, एस मास्टर पे हो या कॉन्करर के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, तो कितना पॉइंट निकालना है आप लोगों को, उस टॉपिक पर बात करेंगे। पर उससे पहले यहाँ पर सीन देखो क्या होता है। और यहाँ पे इवेंट पे उतरते ही ना मेरे साथ एक बंदा उतरता है जिसको मैं इजीली फिनिश कर देता हूँ और वहाँ पे मैं भी अपना पेटी बना लेता हूँ। उसके बाद गाड़ी उठाते हैं। आज के वीडियो में थोड़ा कट कर ही दिखाऊंगा मेन पार्ट, क्योंकि देखो मैं जिस टाइपिक मतलब जिस टाइप से खेल रहा हूँ ना, आपको भी इस टाइप से खेलना होगा जिससे आपको अभी के टाइम पर प्लस कम मिल रहा है, तो इसलिए भाई थोड़ा सर्वाइव करके खेलना है। और डेली पॉइंट कितना निकालना है, बहुत ही कम पॉइंट का टारगेट दूंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा भाई। और एक चीज़ की देखो आज के वीडियो में जो है ना दो गेम प्ले रहने वाला है, दोनों में भाई जितना प्लस मिला है टोटल मैंने 39 का प्लस मिला है दो गेम प्ले मिल के, तो इसलिए प्लस कम मिल रहा है तो इतना टारगेट लो कि भाई हाँ मेरे को दो तीन गेम प्ले में इतना इतना प्लस निकालना है। कोशिश करके कि देखो भाई ईजी है, बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। और यहाँ पे मैं जोन के बाहर सर्वाइव कर ही रहा था तभी एक बॉट भैया जी स्पॉट हो जाते हैं, तो जिसको फिनिश करके ना अच्छा खासा यहाँ पे दो किल हो गया था। उसके बाद काफ़ी देर तक मैं जोन के बाहर ही सर्वाइव करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे शॉप पे आता हूँ। शॉप पे थोड़ा सा लूट वगैरह करने के बाद मैं सीधा निकल जाता हूँ जोन के लिए, क्योंकि जोन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया था और यहाँ पर मेरे को जोन के अंदर एक चाहिए था पोजिशन। तो कैसे मैं पोजिशन निकालता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर सीन देखो। तो फिलहाल यहाँ पे जोन के एज में ना ये वाला कंपाउंड मतलब जो है ना खाली था, मेरे को ये वाला शैक अच्छा लगता है तो मैं यहाँ पे होल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी देखा पे 22 बंदे अलाइव है तो थोड़ा सा मेरे को और सर्वाइव करना होगा। और इतने में मेरे पीछे साइड में भाई और एक गाड़ी आ जाता है, तो इस भाई के साथ कैसे मैं फाइट निकालता हूँ बस सबसे पहले वो सीन देखो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले भी एक बंदा था, मैं अब मतलब पहले आया था उसके बाद ये वाला बंदा भी आ गया था, तो इसके साथ मैं सबसे पहले सोचता हूँ कि फाइट वगैरह निकाल लेते। तो भाई के पास था MG3 और मेरे पास था UMP9 मतलब UMP45। तो देखो यहाँ पर फाइट तो फिलहाल यहाँ पे भाई को खतरनाक लेवल का फिनिश कर देते हैं। और भाई ने भी तो शायद पहले एक गोली कनेक्ट किया था पर यहाँ पे फाइट के बीच में एक भी गोली कनेक्ट नहीं कर पाया था, इस बात के लिए भाई एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक कर देना। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं जोन भी क्लोज इन होने वाला था, 30 सेकेंड के आसपास टाइम था, तो मैं सोचता हूँ स्मोक करके भाई का प्रे पेटी जो है ना लूट लेते हैं, क्योंकि भाई के पास था MG3 और यहाँ पे क्योंकि देखो सामने वाला जो घर पे ना एक बंदा ऑलरेडी था, तो मैं सोचता हूँ सबसे पहले स्मोक करना सही रहेगा, तो स्मोक का यूज़ भी प्रॉपरली किया करो जिससे अच्छा खासा आपको भाई जो है ना सर्वाइव का मौका मिल जाएगा। उसके बाद ग्लेस मतलब जो है ना क्या बोलता गिली शूट वगैरह MG3 वगैरह उठा के ना मैं निकलता हूँ जोन के अंदर। और यहाँ पे जोन के अंदर जाते ही ना ये वाला पोजीशन मेरे को थोड़ा सा सही लगता है, तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे काफ़ी देर तक मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते ना सामने मेरे को एक बंदा स्पॉट हो जाता है शैक पे, तो यहाँ पे सीन देखो। तो इसलिए मैं ये वाला पोजीशन पकड़ के ना ये जोन के अंदर था, यहाँ पे थोड़ा डिप भी था, मैं सोचा कि यहाँ पे लेट के सर्वाइव कर लेंगे और सामने वाला शैक वाला जो बंदा था ना वो ओपन में आएगा तो भाई भाई को फिनिश करेंगे। और भाई भी एक यूट्यूबर ही था तो देखना नाम भाई का नोटिस करना। तो सबसे पहले यहाँ पे होल्ड करते हैं ना, एक कूप वाला बंदा आता है और वो वाला सामने वाला जो यूट्यूबर था ना वो फायर लेने जाता है। और यहाँ पर सीन देखो, तो फिलहाल इस वाले भाई को भी बहुत ही इजीली फिनिश कर देते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं ना और एक भाई बंदा आ जाता है वो भाई का पेटी लूटने के लिए, तो यहाँ पे सीन देखो उस भाई को भी कैसे फिनिश करता हूँ। तो फिलहाल इस वाले भाई को भी आराम से फिनिश कर देते हैं और अच्छा खासा 5 किल हो गया था। तो एंड में आके यार थोड़ा बहुत किल निकालो, जैसे कि मैं देख सकता हूँ भाई टॉप 10 आ गया, उसके बाद थोड़ा फाइट वगैरह लेके खेल रहा हूँ, इस टाइप से आप भी खेलो। उसके बाद देखो सामने वाले मेरे को कारपेट स्पॉट होता है जिसको मैं स्पॉट करने की ट्राई कर रहा था कि बंदा है कि नहीं, पर बंदा तो स्पॉट नहीं होता, तो इतने में जोन भी स्टार्ट होने वाला था, तो मैं सोचता हूँ मतलब जोन स्टार्ट हो गया था। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि जोन के अंदर एक पोजीशन चाहिए था और यहाँ पर मेरे साथ एक सीन होने वाला है, देखना थर्ड पार्टी के चक्कर में मैं यहाँ पर फिनिश हो जाऊँगा। तो सबसे पहले देखो मैं जोन के अंदर आता हूँ और वाला कंपाउंड मेरे को भाई मतलब सही लगता है, पर मैं सोचता हूँ एक बंदा तो होगा तो फाइट ले लेंगे। और इतने में मैं यहाँ पे फाइट लेने रुकता हुआ देखना यहाँ पे,
और यहाँ पे मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत सीन हो जाता है क्योंकि बाहर साइड से भी मेरे को डैमेज पड़ गया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ही इजीली फिनिश हो जाता हूँ। फिर भी मेरे को यहाँ पे अच्छा खासा 19 का प्लस मिल चुका था। अब देखो थोड़ा सा बढ़ते नेक्स्ट गेम प्ले की तरफ और यहाँ पे रैंक वगैरह भी दिखा दूंगा आपको इस वीडियो के एंड में, जिससे आपको आइडिया चल जाएगा मैं किस लेवल का खेल रहा हूँ। और इस यहाँ पे देखो सबसे पहले इवेंट पे एंट्री लेते ही ना यहाँ पे एक बंदे से फाइट होगा और यहाँ पे सीन देखो। तो फिलहाल यहाँ पे उतरते ही मेरे को मिल जाता है शॉटगन और शॉटगन से दे दमा दम दम करके भाई को फिनिश कर देते। काफ़ी दूर से भी शॉटगन भाई अच्छा खासा गोली कनेक्ट हो गया था। तो भाई को फिनिश करने के बाद अपना जो थोड़ा बहुत लूट कर लेते हैं, लूट करते ही मैं यहाँ पे वेट कर रहा था और तभी मेरे को जो है ना बाहर साइड से एक बंदे का जो है ना फुटप्रिंट का साउंड आता है और यहाँ पे मैं फाइट निकालने जाता हूँ। और देखो यहाँ पे सीन, और यहाँ पे भी भाई थर्ड पार्टी के चक्कर में मैं फिनिश हो गया। पर कोई नहीं, देखो इवेंट पे किल मिलता है नहीं मिलता है भाई डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, सर्वाइव करो। एंड में जाके भाई टॉप 20 या टॉप 15 पे जाके किल निकालने की ट्राई करो या टॉप 10 के बाद भी किल निकालो ना, क्योंकि 10 बंदे अलाइव रहते उतने भी आपको 2-3 किल भी मिल जाता है ना, तो अच्छा खासा सर्वाइव कर सकते हो, अच्छा खासा प्लस मिल सकता है उसको। देखो उधर से मेरे को पोचिंकी में फेंक देता है, पोचिंकी में आते ही ना सामने वाले घर पे एक बंदे का फुटप्रिंट आ रहा था, पर मेरे को कन्फर्म नहीं था बंदा बॉट था या जो रियल बंदा था, इसलिए मैं काफ़ी देर तक यहाँ पे होल्ड करता हूँ। और उतने में ही भाई विंडो से बंदा स्पॉट हो जाता है, तो इसको आराम से फिनिश कर देते हैं। और शायद मेरे को बॉट लगा था, पर नाम भी रियल बंदे जैसा था, पता नहीं क्या था, आप लोग कमेंट कर सकते हो रियल था या बॉट था। उसको देखो थोड़ा सा यहाँ पे अपना लूट वगैरह करके ना मैं उबले पट्टी भी लूट के ना इस साइड में लूट ही रहा था, और तभी मेरे को भाई कोचिंग की साइड से ना भाई जोन के अंदर वेट कर रहा हूँ, तो भाई बंदा तो आएगा। और ऐसा ही सीन होता है, एक गाड़ी का साउंड आता है, तो इस भाई के साथ फाइट देखो आप लोग। तो फिलहाल यहाँ पे मोहित भाई का पेटी इजीली बनवा देते और अच्छा खासा यहाँ पे 3 किल हो गया था। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सर्वाइव करेंगे क्योंकि यहाँ पे जोन के अंदर था, फिर भी नेक्स्ट जो जोन बना था ना यहाँ पे जोन के एज में पड़ गया था जो पोचिंगी, तो मैं सोचता हूँ काफ़ी देर तक यहाँ पे होल्ड कर सकते। और उतने में देखो थोड़ा सा बात कर लेते मेन टॉपिक के बारे में कि कितना प्लस निकालना चाहिए। आप लोग भाई अभी कॉमेंट कर रहे हो क्योंकि बहुत सारे भाई लोगों का डाउट है, भाई मेरे को प्लस नहीं मिल रहा है, ये चीज़ हो रहा है, वो चीज़ हो रहा है, मैं इतने पॉइंट पर हूँ, कितना प्लस मेरे को करना है। भाई जो भी बंदा एस मास्टर से ऊपर हो ना, मतलब अभी शायद 5100 पॉइंट के आसपास तुमको कॉन्कर देखने को मिल जाएगा, तो एस मास्टर के ऊपर हो तो मैं कोशिश बोलूंगा भाई 100 से 90 पॉइंट निकालो, 90, 80, 100 इतना पॉइंट निकालो, और उससे भी ज़्यादा आपको पॉइंट निकाल सकते हो तो अच्छी बात है। एस पे हो भाई 100 पॉइंट के ऊपर निकालना होगा, 100 से 120 पॉइंट के आसपास। और क्राउन पे हो ना, मैं बोलूँगा भाई क्राउन पे हो अच्छा खासा अभी भी प्लस मिलेगा, तो ट्राई करो कम से कम भाई 200 के आसपास प्लस निकालने के लिए, तो 10-15 दिन के अंदर आपको कॉन्कर देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उतने देखो मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा था और यहाँ पे अच्छा खासा मैं सर्वाइव निकाल रहा था, इतने में मेरे को सामने एक बग्गी का साउंड आता है और बग्गी वाले बंदे सीधा रुक जाता है सामने वाले जो क्या सीन है ना वो शॉप वगैरह बोलते हैं ना उसके अंदर, और यहाँ पे भाई को मतलब कैसे फिनिश करता हूँ, बस वो सीन देखो अभी। यहाँ पे सीन देख रहे हो भाई साहब, क्या बोलूँ, मतलब गलती से और एक गोली कनेक्ट होता ना पेटी यहाँ पे कंफर्म था, क्योंकि यही दिक्कत होती है। देखो जोन के अंदर होल्ड करने के लिए मना इसीलिए करता हूँ क्योंकि जोन के अंदर भाई कंपाउंड में होल्ड कर रहे हो ना भाई, कहीं ना कहीं से आपको थर्ड पार्टी होगा या स्प्रे आएगा, आप फिनिश हो सकते हो। इसके लिए अब मैं बोलता हूँ भाई थोड़ा सा वेट करके खेलो, देखो भाई जोन के बाहर सर्वाइव करो, जिससे आपका रिक्स भाई कम से कम बोलो 80 से 90% कम हो जाता है। बाई चांस कैंपर मिल जाता है, पर वो भी बहुत ही रेयर चांस है, इसलिए मैं बोलता हूँ भाई जोन के बाहर सर्वाइव करो, जोन सर्वाइव करो प्लस निकालो। उसके बाद देखो इस भाई को भी सामने वाले जो घर पे ट्रिपल स्टोर पे बंदा था ना उसको भी फिनिश करेंगे, तो कैसे फिनिश करता हूँ बस वो सीन देखो अभी।
तो ये वाले भाई को भी बहुत ही इजीली फिनिश कर देते। अब देखो सामने वाला जो चर्च है ना, चर्च के अंदर भी बंदा है, क्योंकि देखो बंदा हमेशा भाई जोन के अंदर वेट कर रहे हो, कहीं पे भी होल्ड कर रहे हो ना, बंदे का लोकेशन पता रखो, क्योंकि आप पे थर्ड पार्टी होने से पहले आप सतर्क हो सकते हो, समझ रहे हो ना। तब देखो यहाँ पे क्या सीन था, मैं सोचता हूँ सामने वाले जो चर्च पे तो बंदा है, तो उसको फिनिश करने से पहले मैं थोड़ा सा लूट वगैरह करके आता हूँ, क्योंकि लूट का भाई समझ रहे हो ना क्या सीन रहता है, थोड़ा सा चुल रहता है लूट करने का। उतने में मैं यहाँ पे लूट करने जाता हूँ ना, तभी मेरे को यहाँ पे सामने बंदा स्पॉट हो जाता है, वो भी क्लोज इन करने लगता है। पता नहीं बंदा मेरे को स्पॉट किया था या नहीं किया था, कोई आइडिया नहीं था। इतने में बंदा बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है, सामने जो वॉच टावर टाइप का ना छोटा सा, उतने मतलब उसके पीछे आ जाता है। मैं सोचता हूँ भाई भाई को एक नेड करते, और यहाँ पे सीन देखो, यहाँ पे नेड करते ही ना बंदा शायद बौखला गया था, पता नहीं क्या सीन था, मतलब अचानक से ओपन में आके भागने लगता है, और ऑलरेडी डैमेज भी हो गया था नेड से, तो भाई को इजीली यहाँ पे फिनिश कर देते थे। उसके बाद आराम से अपना लूट वगैरह कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा जोन सर्वाइव भी किया था मैंने वहाँ पे, क्योंकि देख सकते हो जोन काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया था। उसके बाद मैं निकलता हूँ जोन के अंदर एक पोजीशन के लिए, और जोन के अंदर एक कंपाउंड मेरे को सही लगता है, सामने वाला जो कंपाउंड है ना, और वहाँ पे ऑलरेडी बंदा भी था, तो कैसे मैं यहाँ पे सर्वाइव निकालता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सीन देखो, सबसे पहले मेरे को चाहिए था कंपाउंड के अंदर एक पोजीशन, और यहाँ पे लकीली मेरे को जिस कंपाउंड में जाके होल्ड कर रहा हूँ ना, यहाँ पे ये वाला कंपाउंड के अंदर ये वाला घर जो है ना खाली था, ये मेरा भाई बहुत ज़्यादा लाकी चांस था। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा अपना सर्वाइव निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो जितना सर्वाइव करोगे उतना आपको प्लस मिलेगा, कोई कोशिश करना है टॉप 10 से पहले आप भाई फाइट वगैरह मत लो, फिर भी देखो फाइट हो जाता है तो फाइट लेना तो बनता ही है। इतने में ऐसा ही सीन होता है, मैं यहाँ पे अपना सर्वाइव निकाल रहा था, और उतने में मेरे नीचे आ जाता है एक गाड़ी जो कूप लेके सामने वाला, तो यहाँ पे देखो कैसे मैं फाइट निकालता हूँ। भाई के पास था DBS, भाई DBS का साउंड सुनते हैं ना, मैं भाई सच बोलो तो मेरा फट गया, हाथ में आ गया था, क्योंकि मेरे को पता था भाई सामने वाले बंदे के पास DBS है तो मैं फिनिश होने वाला हूँ। तो लकीली क्या होता है भाई, मैं भाई को फिनिश कर देता हूँ, DBS इतना कुछ खास कनेक्ट नहीं होता, तो जैसे जैसे भाई को फिनिश करके अच्छा खासा यहाँ पे 7 किल हो गया था। अब मेरे यहाँ पे ऑलरेडी जोन भी आ गया था, तो मेरे को निकलना था जोन के अंदर, तो यहाँ पे जोन के अंदर कैसे मैं पोजीशन निकालता हूँ, बस वो सीन देखो अभी। जोन के अंदर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल के बाद ना मेरे को ये पोजीशन मिलता है, तो ध्यान से देखा किस लेवल का खेले, मैं जोन के बाहर ही जाके थोड़ा होल्ड कर लिया, क्योंकि भाई लास्ट जोन में भाई कहीं भी होल्ड कर सकते हो पेड़ का कवर वगैरह लेके, और इतने में चारों साइड बंदा था। जैसे जैसे मैं लेट के ना ये वाले पेड़ पे आता हूँ जो जोन के अंदर था, और इतने में सारे बंदे फिनिश हो जाते हैं। एक BRDM वाला अलाइव रहता है, और एक बंदा अलाइव रहता है जिसका लोकेशन नहीं पता, तो BRDM वाला बंदा क्या करता है यहाँ पे भाई सीधा गाड़ी कुचलने की ट्राई करता है। सामने मेरे को बंदा भी स्पॉट होता है, और यहाँ पे क्या सीन होता है मेरे साथ देखो। आज और यहाँ पे हो जाता है मेरे से बहुत बड़ा मिस्टेक, क्या होता है कि मैं पूरा ओपन में जाके फायर ले रहा था, जिसकी वजह से मेरा पेटी यहाँ पे बन जाता, फिर भी मेरे को यहाँ पे जो 20 का प्लस मिल चुका है। और इस लेवल का आपको खेलना है यार, यहाँ पे छोटा छोटा गलती भाई इग्नोर जितना करोगे ना उतना ही आपको चिकन मिलने का चांस बढ़ जाता है। यहाँ पे पिक वगैरह करके ना मैं भाई फायर लेता तो शायद मेरे को चिकन मिल जाता, कोई नहीं, पर इसके बाद मेरा रैंक वगैरह देख लो 1800 समथिंग कुछ रैंक चला गया था, और बहुत जल्दी भाई 3 से मतलब कुछ दिन लगेगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है, उसके बाद कॉन्करर भी हो जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए वीडियो यही तक था, वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे या टिप्स एंड ट्रिक थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो एक लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।